आज का टॉपिक लॉग फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब लॉग फंक्शन, ये फंक्शन की सॉल्विंग में ये हमारा लास्ट फंक्शन का काम होगा। और फिर जैसे शुरुआत से बात होती रही कि फंक्शन पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के तरीके कितने, तीन। पहला ग्राफ, फिर इक्वलिटी के साथ, और फिर देन क्या, इनइक्वलिटी के साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। y इज इक्वल्स टू log x बेस a, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। अच्छा, दूसरी बात, कोई हमसे बोले या ना बोले, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, log तभी डिफाइन होगा जब ये अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये स्टैंडर्ड, यानी x ग्रेटर देन जीरो हमेशा ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि जो बेस है उसके करस्पॉन्डिंग ये अलग अलग चीज़ें होंगी। भाई देखो, लॉग बना कैसे था, हम लोगों ने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब लिख रहे थे तो a टू द पावर x इक्वल्स टू, अगर y है तो x इक्वल्स टू log y बेस a। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो तरीके से पढ़ रहे थे, पहला कि a ग्रेटर देन वन, और दूसरा a जो है वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन। तो इस वजह से जब लॉग की पढ़ाई होगी तो बेस के हमेशा दो केस बनेंगे, एक ग्रेटर देन वन और दूसरा बेस क्या, जीरो टू वन। अच्छा, जब ये बेस ग्रेटर देन वन होगा तो ये कैसा ग्राफ दिख रहा था, इंक्रीजिंग, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और जब बेस जीरो और वन के बीच में होगा तो ये हमेशा जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसके बारे में जब एनालिसिस होगी तो वो हमेशा तीन पार्ट में देखना होगा, एक बिलो द एक्स एक्सिस, एक अबव द एक्स एक्सिस, और एक ऑन द एक्स एक्सिस। और यहाँ पे इसके दो केस में हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब दो केस क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो चुकी है कि पहला ए ग्रेटर देन वन, ए ग्रेटर देन वन, तो जैसे कि बात हुई कि ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा, log x बेस a, यहां पे जब x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, 1, 0। कभी भी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि y एक्सिस को अगर ये टच करेगा तो ये वैल्यू कैसी रिप्रेजेंट होगी, फाइनाइट। और जबकि जब ग्राफ में टच नहीं करता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी चीज है वो कहां पहुंचे, इनफाइनाइट, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए निगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा। कहां पर जाएगा, निगेटिव इन्फिनिटी पे। अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि जैसे बताया गया है, कैसे, एक ऑन द एक्स एक्सिस, एक बिलो द एक्स एक्सिस, और एक क्या, अबव द एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट यहां पे हम लोग देख रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, तो यानी कि एक्स एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू वन है। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। हम सोचेंगे y के लिए लेकिन लिखेंगे log के लिए, सोचेंगे ले y के लिए लेकिन लिखेंगे log के लिए। तो y का वैल्यू 0, तो implies that log x बेस a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सेकेंड, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो जैसे हम 1 से इधर बढ़ेंगे तो y कैसा मिलने लग जाएगा, पॉजिटिव। यानी जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो y क्या होगा, 1 से ग्रेटर इधर आए तो ग्राफ अपवर्ड है, तो यानी y कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और हमने क्या बताया, सोचेंगे y के लिए लेकिन लिखेंगे किसके लिए, log के लिए। तो इसलिए log x बेस a क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। यानी कि जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो log x बेस a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। थर्ड, x लेस देन 1, और x लेस देन 1 हमने लिखा लेकिन ये सही नहीं, क्योंकि लेस देन 1 तो निगेटिव भी चला जाएगा, और स्टैंडर्ड हमें ध्यान रखना कि x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस वजह से जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, तो अब यहां पे देखें तो y क्या हो रहा है, निगेटिव। तो जब x का वैल्यू 1 से लेस ग्रेटर देन 0 तो y नेगेटिव, और जब y नेगेटिव है तो log x बेस a क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यानी कि log x बेस a लेस देन 0।
और ये ग्राफ कैसा है, ये इंक्रीजिंग है। अब अगर ये कोई सोचे इसकी प्लॉटिंग कैसे हुई है, तो प्लॉटिंग हम लोग जो है ग्राफ में वैल्यू पुट कर कर ये निकाल सकते हैं। एक बात और, जब शुरुआत में, अभी तो नहीं लेकिन जब शुरुआत में जब लॉग के बारे में बात होती थी, तो आईआईटी के जब पेपर सब्जेक्टिव होते थे उस समय हमें लॉग टेबल भी दी जाती थी, लॉग टेबल देखना भी सिखाया जाता था। अभी इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, अभी नॉर्मल केमिस्ट्री में अगर हमें वैल्यू की ज़रूरत भी होती तो वो गिवन ही वैल्यू रहती हैं। और लॉग टेबल जो दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी, बेस 10 के लिए दी जाती है। और अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका बेस क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी ई। इसको जो है जैसे अगर ये बेस लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं लिखा तो ये नेचुरल लॉग होगा, और इसको हम लोग जो है एल एन एक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, नेचुरल लॉग। अब दूसरी बात ये कि जैसे आईआईटीज के पुराने क्वेश्चन में जाओगे, पुराने क्वेश्चन में, तो उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत पुराने क्वेश्चनों में, तो वो बेस 10 से सॉल्व किए हुए मिलेंगे। और जो अभी के क्वेश्चंस में जाओगे तो उनका बेस जो है हम लोग को क्या मिलेगा, ई बेस मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे वो बेस क्या है, ई। हमें बेस 10 से कोई मतलब नहीं, केमिस्ट्री में कुछ बेस 10 से भी वर्कआउट होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री के जो वैल्यू है उन वैल्यू से हमारी वैल्यू जो है सेम नहीं होंगी। जैसे लॉग 2 लॉग 3 यूज करते हो तो उनका बेस 10 यूज होता है केमिस्ट्री में। केस सेकंड, अब बेस जो हो गया लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और अब इस केस में जो लॉग होगा वो कैसा लॉग होगा, वो लॉग डिक्रीजिंग लॉग होगा। वो कैसा लॉग आ जाएगा, डिक्रीजिंग। केस सेकंड, तो यहां पे जब डिक्रीजिंग लॉग आएगा तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1, 0, और ये y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, तो a का वैल्यू दिस हो गया। और फिर वही बात कि हमें जो देखना है वो क्या, अबव द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑन द x एक्सिस। तो जब x का वैल्यू 0, ठीक वैसे ही सोचेंगे, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। सोचना y है लेकिन लिखना क्या है, log के लिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसलिए ये इंप्लाई करेगा log x बेस a इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग ने ध्यान किया कि बेस चाहे 0 और 1 के बीच में हो या 1 से ग्रेटर हो, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। सेकेंड, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 से ग्रेटर जैसे आएगा तो y क्या हो गया, नेगेटिव। और जब y नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव हो रहा है तो इसका वाला log x बेस a भी क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि log x बेस a लेस देन 0। थर्ड, अब x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो y ग्रेटर देन 0, तो log x बेस a ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गई log के इंफॉर्मेशन और उनके ग्राफ। अब आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज की बात, तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, तो देखते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, लॉग बेस ए एम इंटू एन, तो ये होता है लॉग बेस ए एम प्लस लॉग एन बेस ए। तो ये प्रॉपर्टीज तभी डिफाइन होती है जब एम और एन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि एम और एन पॉजिटिव। देखो जब लॉग
इनइक्वलिटी सॉल्व हो रही हो, इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये कंडीशन ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, डिफरेंटिएशन है ये वगैरह, तो इसमें इस सब तरीके की कंडीशंस का लोग यूज नहीं करते हैं। और बेस ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन, हम ये दो केस अलग अलग लिखें क्या, कि ए लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो और दिस, तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखना है, दो केस अलग अलग ना लिख के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन जीरो बट ए नॉट इक्वल टू वन, तो इसलिए ऐसा लिख दिया गया है। सेकेंड लॉग बेस ए एम अपॉन एन, तो लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन दिस, तो यहां पे वैल्यू एम ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू वन। थर्ड लॉग बेस ए एम टू दी पावर एन, तो जब ये एम टू दी पावर एन वाली बात आ जाएगी तो ये होता है एन लॉग एम बेस ए, पावर में एन है तो कुछ भी हो सकता है, और यहां पे क्या होगा एम ग्रेटर देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन। नेक्स्ट लॉग एक्स बेस वाई, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस पूरे का रिजल्ट होता है लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। फिफ्थ लॉग एक्स बेस एक्स, तो ये वैल्यू वन, तो यहां का नंबर यहां का नंबर सेम होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी वन, और इसमें जो कंडीशन है वो क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन बेस कैन नॉट बी इक्वल टू वन, तो वाई की वैल्यू कभी वन नहीं होगी क्योंकि लॉग वन की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो और डिनोमिनेटर जीरो होगा तो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होगा। तो सेम यही सिचुएशन यहां भी, एक्स ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन। अगला ये जो प्रॉपर्टीज है जो अब लिखने जा रहे हैं, जब भी हम बोलें कि लॉग के बेस को चेंज करो तो उसमें ये हेल्प करेगी हमारी बेस चेंज करने में। ये सिक्स्थ और इसके बाद नेक्स्ट वाले क्या, जैसे लॉग एक्स बेस वाई लिखा हुआ है तो इसको वन अपॉन लॉग वाई बेस एक्स, फिर सेवेंथ लॉग एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन लिखा है, तो ये एम अपॉन एन लॉग एक्स बेस वाई, और यहां पर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वन। और साथ में जो देखेंगे तो एक्स वो लिख सकते हैं, ये हो गई बात इसमें। फिर एथ प्रॉपर्टीज क्या है कि ए टू दी पावर लॉग ए, और यहां पे अगर एफ एक्स लिखा है तो हम लोग को ध्यान रखना है बेस, और यहां ये अगर नंबर सेम है तो इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, मतलब जो अंदर फंक्शन लिखा वही आ जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे छोटी एक लॉग, जैसे जो बच्चों लोगों ने प्री आर एमओ या फिर जो है क्या कहते हैं कि IJSO के एग्जाम के लिए तैयारी करी होगी तो उसमें ये एट्थ ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, लेकिन हो सकता है कंडीशन के साथ ना करी हूँ, लेकिन ये जो एट्थ और नाइन्थ प्रॉपर्टीज है इसकी हेल्प से क्वेश्चन बहुत सॉल्व करे होंगे कि लॉग, जैसे लॉग नॉर्मल एक क्वेश्चन जरूर आता है कि लॉग फाइव बेस टू प्रूव करो कि इरेशनल है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों में उनका यूज होता ही है, और ये प्रॉपर्टीज ऐसी है कि अगर पता नहीं है तो फिर वो कभी सॉल्व भी नहीं होगा क्वेश्चन। तो यहां पे क्या है ए लॉग बेस बी सी, तो ये जो है इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये इंटरचेंज हो जाते हैं प्लेसेस, तो ये क्या आ जाएगा सी टू द पावर लॉग बेस बी ए। तो ये प्रॉपर्टीज हुई हम लोग की। अब इसके बाद नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज अब हम लोग लिख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनका काम होगा जब किसी इक्वेशन को हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट लाइन में उसे एक्स की वैल्यू वगैरह निकालनी है तो वहां पे ये हमारी हेल्प करेंगी।
तो लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू लॉग वाई बेस ए, तो ये एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई, मतलब ये एंटी लॉग ले लिया गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, और भाषा में जब अगर मुझे कभी बोलना होगा तो मैं इसका नाम इनपुट रखूंगा और इसका नाम मैं आउटपुट रखूंगा, लॉग एक्स बेस ए। अब ऐसा नहीं है कि दोनों साइड लॉग ही हो सकता है ऐसा हो कि लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू, यहां कोई नंबर लिखा हो, मान लो टी लिखा है, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए टू दी पावर टी। तो इस लास्ट लाइन में हमेशा टेंथ या इलेवेंथ में से कोई एक यूज होगी, और इसको हम लोग फिर से क्या बोल सकते हैं, ये इनपुट है और ये इसका नाम आउटपुट हो जाएगा भाषा में। तो ये यहां तक हुई हमारी प्रॉपर्टीज। अब इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पहले इक्वलिटी के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट फिर इनइक्वलिटी के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम क्वेश्चन तभी कोई लॉग का सॉल्व कर पाएंगे जब बेस सेम होगा। तो हमें जैसे कोई अगर इक्वेशन मिलती है तो पूरी क्लास का काम यही होगा, सारे बच्चों का काम यही होगा कि हम क्या करें कि उसका बेस सेम हो जाए, और बेस सेम कर लेने के बाद उसको नॉर्मल हम लोग टी ले लेंगे, और टी ले लेने के बाद उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे फिर उस इक्वेशन को हम लोग सिंपलीफाई कर देंगे लिए x के लिए, या फिर जो भी वेरिएबल क्वेश्चन यूज कर रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x ही वेरिएबल यूज हो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो log बेस 3 5 प्लस 4 log x माइनस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 2, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। पहले शुरुआत एक बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि log का अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें देखना बेस सेम है कि नहीं। अभी शुरुआत के एक दो क्वेश्चन में हमें बेस सेम मिलेगा, उसके बाद फिर हमें बेस को क्या करना पड़ेगा, अपने आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ बेस, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा, तो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा एम क्या है, एक्स को कैलकुलेट करना। तो अब ये क्या होगा, ये लॉग हटे फिर सॉल्व हो, तो कैसे सॉल्व होगा, लॉग बेस 3 5 प्लस 4 लॉग बेस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। तो लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू क्या लिखा है, वाई। तो हमने अभी इसको एक अगले स्टेप में क्या लिखना सिखाया है, ये एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर वाई हो जाएगा। तो लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ट्रीट होगा कैसा, एक्स के जैसा, और बेस ये ए हो गया। तो यानी कि ये जो रिजल्ट आ जाएगा 5 प्लस 4 लॉग बेस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 4 बेस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 4 बेस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो जाएगा और लॉग बेस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, और फिर से वही सिचुएशन आ गई। तो अगले स्टेप में फिर ये क्या जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 1, यानी एक्स इक्वल टू 4। और अब हमें यह भी बात ध्यान रखनी कि जब आंसर आ जाएगा तो आंसर आ जाने के बाद ये मत समझना कि वो आंसर सही है, हो सकता है वो आंसर गलत भी हो। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना है कि जिस वो हमारे पास वैल्यू मिली है उससे लॉग के अंदर का रिजल्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक्स का वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3, यानी पॉजिटिव 3, और बेस भी सेम तो वैल्यू क्या हो गई 1। तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 का मतलब क्या हुआ 3 स्क्वायर, आगे कर लिए 2, और log 3 बेस 3 तो ये नंबर सेम तो वैल्यू 2, यानी दैट मींस ये जो है इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन। अब इसके आगे फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग का है log 3 माइनस एक्स बेस 2 प्लस log 1 माइनस एक्स बेस 2 इक्वल टू 3। तो हमने क्या बात बोली है कि जैसे ही हमें log का क्वेश्चन मिलेगा तो हमारे दिमाग में जो पहली बात आनी चाहिए वो बात ये आनी चाहिए, क्या बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो यहां देखा बेस सेम है, हाँ है, तो जैसे देखा बेस सेम है तो ये प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो गया, कौन सा, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो इसका रिजल्ट क्या था, लॉग एम इंटू एन
इक्वल टू थ्री। और अब ये रिजल्ट फिर इस प्रॉपर्टीज पे आ गया, तो यहां से अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा, थ्री माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू टू क्यूब। तो थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और जब सारे रिजल्ट एक साथ कर लेंगे तो माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये x माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन कॉमा फाइव, ये इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें तुरंत ये नहीं कह देना कि ये वाकई में आंसर होगा, क्योंकि हमें ये चेक करना कि लॉग के अंदर पॉजिटिव है कि नहीं है। चलो देखते हैं। तो लॉग का वैल्यू, जैसे ही x का वैल्यू हम लोगों ने वन पुट किया तो वन, हाँ थ्री माइनस वन मिलकर क्या हो गया फोर, और फोर का मतलब क्या हो टू स्क्वायर, तो टू आगे आ जाएगा। लॉग टू बेस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो टू, और यहां माइनस वन पुट किया तो ये प्लस टू हो गया टू, और टू बेस टू इसका वैल्यू वन हो गया, तो टू प्लस वन थ्री, यस। तो यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस वन जो होगा वो रिजल्ट होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन जैसे एक्स का वैल्यू फाइव लिया तो थ्री माइनस फाइव ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, और लॉग के अंदर निगेटिव डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक्स इक्वल टू फाइव ये सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही हमारे पास रिजल्ट होगा, क्या, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो अब कैसे इसमें इनिशियल कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बात हो गई। अब इसके आगे फिर कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन बेस टू इक्वल टू लॉग फोर बेस एक्स माइनस वन। तो हमने क्या बात करी, लॉग का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला एम पूरी क्लास का क्या होना चाहिए, और वो एम है हमारा बेस सेम। तो देखा सेम नहीं, तो सबसे पहले हम लोग को बेस सेम करना है। या तो मैं यहां पर बेस टू बनाऊं यहां पर, या तो बेस एक्स माइनस वन बनाऊं। अब किसमें बनाऊं, ये अपनी मर्जी है। तो ये लॉग टू बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू लॉग फोर का मतलब ये टू स्क्वायर लिख सकता हूं इसको एक्स माइनस वन। तो ये वन प्लस लॉग बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू लॉग टू एक्स माइनस वन। और जैसे इसको देखा तो हमने कहा बेस चेंज करने में ये हम लोग की हेल्प बहुत करेगा, लॉग एक्स बेस वाई इक्वल टू वन अपॉन लॉग वाई बेस एक्स। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वन प्लस बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन बेस टू। अब देख रहे हैं पूरे लॉग में बेस सेम हो गया, और जब लॉग में बेस सेम हो गया तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। तो इसको टी लेते हैं, तो टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस वन बेस टू। तो वन प्लस टी इक्वल टू टू अपॉन टी। और अब यहां से देखो तो t की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। अब देखो वर्बली देखना चाहो तो वर्बली देख सकते हो, t का वैल्यू वन ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और अगर बहुत सॉल्व करने का मन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि भाई ये क्या हो गया t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू टू, और फिर यहां पर हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा t प्लस टू इंटू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो पहला रिजल्ट हम लोग के पास आ जाएगा टी इक्वल टू माइनस टू। तो हमें यह ध्यान रखना है, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि टी का वैल्यू माइनस टू हो गया तो ये रॉन्ग हो गया। अगर कोई ये सोच रहा है तो ये गलत सोच रहा है। लॉग के अंदर, लॉग के इस प्लेस पे निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, और जीरो भी है। ये सिर्फ पॉजिटिव है। तो पहला पॉइंट t इक्वल टू माइनस टू। अब t इक्वल टू जब माइनस टू हम लोग पुट करेंगे तो यहां से t की वैल्यू log x माइनस वन बेस टू इक्वल टू दिस, तो x माइनस वन इक्वल टू 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 द पावर माइनस टू इक्वल टू वन प्लस वन बाई फोर, तो x इक्वल टू फाइव बाई फोर। ये पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट t इक्वल टू वन, तो अब जब t इक्वल टू वन तो log x माइनस वन बेस टू इक्वल टू वन, तो x माइनस वन इक्वल टू 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 द पावर वन, तो फाइनली x का वैल्यू क्या आ गया थ्री। तो ये हम लोग का इसका रिजल्ट आ गया। तो पहला एम क्या है, बेस सेम करना, उसके बाद ही कुछ सॉल्व होगा। बगैर बेस सेम की अगर हमने सॉल्व करने की कोशिश करी तो उसका मतलब हम लोग का ट्रैक बिल्कुल गलत है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हम लोग ने सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन में वर्कआउट किया, अब यहाँ पे ये एक डबल वेरिएबल क्वेश्चन है कि लेट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x होल टू द पावर लॉग टू 3y लॉग 3। तो अब हम लोगों ने नॉर्मल जब इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं तो इक्वेशन किस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करी, आज तक आपने मैथ में कभी ध्यान दिया किस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करी, अगर डबल वेरिएबल भी है तो हम लोगों ने इक्वेशन जो सॉल्व करनी सीखी है वो कैसी है इक्वेशन भाई, क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी। तो वो इक्वेशन कब सॉल्व करनी आती है, वो हमें तभी तो सॉल्व करनी आती है जब वेरिएबल एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे किस में यूज हो रहा है, पावर में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले मुझे इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए हेल्प कौन करेगा, इनटू है, और इनटू से प्लस में लाने का काम कौन करेगा, इनटू से प्लस में लाने का काम जो है वो करेगा लॉग, क्यों, क्योंकि लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन। तो लॉग 2x होल टू द पावर लॉग 2 इक्वल टू लॉग 3y होल टू द पावर लॉग 3, लॉग एम टू द पावर एन, ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 इंटू लॉग 2x, लॉग 3 इंटू लॉग 3y, और अब इसको फिर से m इंटू एन में चेंज कर देंगे, इसको भी m इंटू एन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो लॉग 2 ब्रैकेट स्टार्ट लॉग 2 प्लस लॉग x इक्वल टू लॉग 3 इंटू लॉग 3 प्लस लॉग y, और अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहां से। तो यहां से जब हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या आ गया, लॉग 2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस लॉग 2 इंटू लॉग x इक्वल टू लॉग 3 स्क्वायर प्लस लॉग 3 इंटू लॉग y, और लॉग 2 इंटू लॉग x माइनस लॉग 3 इंटू लॉग y इक्वल टू लॉग 3 स्क्वायर माइनस। अब क्या कर लेते हैं, नॉर्मल इक्वेशन फ्रेमिंग में क्या होता था, वेरिएबल एक साइड हो जाते थे और कांस्टेंट नंबर एक साइड, तो वही मैंने इसलिए ऐसा करके लिख दिया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये डेवलप हो गई। अब नेक्स्ट जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है वो है 3 to the power log x इक्वल टू 2 to the power log y। तो यहां से हमने लॉग ले लिया, लॉग 3 बेस लॉग 3 पावर लॉग x इक्वल टू लॉग 2 लॉग वाई, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग 3 इक्वल टू लॉग वाई इंटू लॉग 2। और अब ये दो इक्वेशन बन गई। तो नॉर्मल हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से हम वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, हमने यहां पे क्या कर लिया, लॉग वाई की वैल्यू निकाली। अब ये सब लोग ये सोचे कि मैंने लॉग वाई ही क्यों निकाला है, लॉग एक्स क्यों नहीं पहले निकाल दिया, तो वो इसका रीजन ये है कि मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक्स नॉट पूछा गया है, और एक्स नॉट है क्या, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो जो भी सोल्यूशन होगा वो हमेशा इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कि मैं यहां से जब लॉग एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा तो अल्टीमेटली वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वही तो कन्वर्ट होगी किसमें, एक्स नॉट में, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस वजह से चूंकि अब मुझे अगर यहां एक्स वाई दोनों निकालने होते तो मैं फिर कुछ भी सोच सकता था। तो लॉग एक्स लॉग वाई ही क्यों हमने निकाला, बात क्लियर हो गई। अब ये इस इक्वेशन में हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे, तो लॉग 2 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग 3 इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग 3 अपॉन लॉग 2 इक्वल टू लॉग 3 स्क्वायर माइनस लॉग 2 स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं और लॉग एक्स को कॉमन भी कर लेंगे, ये इसको इधर रब कर दे रहे हैं। तो लॉग एक्स ये कॉमन हो गया और ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 स्क्वायर माइनस लॉग 3 स्क्वायर
अपॉन लॉग टू इक्वल टू लॉग थ्री स्क्वायर बाय दस लॉग टू स्क्वायर। अब मैं न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन कर लेता हूं तो यहां से माइनस लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट लॉग थ्री स्क्वायर बाय दस लॉग टू स्क्वायर अपॉन लॉग टू और ये लॉग थ्री स्क्वायर बाय दस लॉग टू स्क्वायर और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा क्या माइनस लॉग एक्स अपॉन लॉग टू इक्वल टू वन तो इंप्लाइज दैट लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग टू फाइनली लॉग एक्स इक्वल टू लॉग टू टू द पावर माइनस वन वही लॉग एम इन टू एन एम टू द पावर एन इक्वल्स टू क्या था एन लॉग एम तो उसको हमने लेफ्ट से राइट ना जाके राइट टू लेफ्ट चल दिए एंटी लॉग तो एक्स इक्वल्स टू 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 द पावर माइनस वन तो फाइनली एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा वन बाई टू और चूंकि एक्स इक्वल टू क्या है एक्स नॉट तो फाइनली एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ गया वन बाई टू तो इसका रिजल्ट जो हो गया वो क्या आ गया वन बाई टू। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 टू द पावर log x बेस 9 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9 बाई टू log x बेस 9 इक्वल टू 5 और यहां से हम लोग को x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो देखते हैं सॉल्व करते हैं इक्वेशन। थ्री टू द पावर log x बेस 9 स्क्वायर माइनस 9 बाई टू log x बेस 9 प्लस 5 इक्वल टू 3 रूट 3। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अब यहां पे सॉल्व करने के लिए देखो ये 3 के पावर में तो इसका ये a टू द पावर x इक्वल टू अब इधर ये पावर में नहीं है तो ये कैसा पैटर्न हो गया y तो इस पूरी बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू log y बेस a तो यहां से ये जो पूरा पावर है ये x के जैसा काम कर रहा है ये बेस 3 तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log x बेस 9 स्क्वायर माइनस 9 बाई टू log x बेस 9 प्लस 5 इक्वल टू log बेस 3 3 इंटू रूट 3। अब 3 इंटू रूट 3 तो 3 इंटू रूट 3 इसका मीनिंग ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 बाई टू तो नेक्स्ट स्टेप में log x बेस 9 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9 बाई टू log x बेस 9 प्लस 5 इक्वल टू log बेस 3 3 टू द पावर 3 बाई टू। अब 3 बाई टू ये आगे आ जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा log x बेस 9 स्क्वायर माइनस 9 बाई टू log x बेस 9 प्लस 5 इक्वल टू 3 बाई टू और अब ये क्या हो जाएगा log 3 बेस 3 तो log 3 बेस 3 इसका रिजल्ट क्या हो गया 1 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू आ जाएगी और यहां पे क्या कर देते हैं कि बाकी ये तो लॉग सेम है और बेस भी सेम है तो इस वजह से इसको हम लोग यहां पे टी लिख दे रहे हैं टी इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 9 तो हमारे पास इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 9 बाई टू टी प्लस 5 इक्वल टू 3 बाई टू तो ये क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वायर माइनस दिस प्लस 10 अपॉन टू इक्वल टू 3 बाई टू कैंसिल हो गया तो 2 टी स्क्वायर बाय दस 9 टी प्लस 7 इक्वल टू क्या देगा 0 और इसका फिर फैक्टर हो जाएगा 7 और 2 तो माइनस 7 टी माइनस 2 टी प्लस 7 इक्वल टू 0 टी कॉमन हो जाएगा 2 टी माइनस 7 माइनस साइन भी कॉमन हो गया 2 टी माइनस 7 इक्वल टू 0 तो 2t माइनस 7 t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार फर्स्ट फैक्टर 2t माइनस 7 इक्वल टू 0 तो t इक्वल्स टू 7 बाई टू
अब टी की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो लॉग एक्स बेस 9 इक्वल टू 7/2, तो फाइनली एक्स इक्वल टू 9 टू दी पावर 7/2। नेक्स्ट टी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 1, और लॉग एक्स बेस 9 इक्वल टू 1, तो फाइनली एक्स इक्वल टू 9 टू दी पावर 1, फाइनल एक्स इक्वल टू क्या आ गया 9। तो ये हम दोनों, ये जो है इसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट हो गया। तो ये थी इक्वेशन। नेक्स्ट इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन एक्स प्लस लॉग 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स लॉग लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 6 बेस 10। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस लॉग बेस 10 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 6 बेस 10। तो ये एक्स है, तो ये देख रहे हैं ये 2 टू द पावर एक्स है, तो सबसे पहले इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे, यहां बेस 10 यहां बेस 10 तो ये एक साथ क्लब हो जाएंगे, लेकिन इस एक्स को कैसे डील करोगे, तो जरा देखो इस एक्स को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर एक्स लॉग बेस 10। अब इसको अगर एक्स आगे कर लेंगे लॉग 10 बेस 10 वैल्यू क्या कर जाएगा 1 कर जाएगा, और इक्वल टू लॉग बेस 10 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स, और यहां से हम लोग ये एक्स पावर में कर लेंगे तो लॉग दिस हो जाएगा और लॉग 6 बेस 10, और लॉग m इंटू n का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो लॉग बेस 10 10 टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग 5 टू द पावर एक्स इंटू 6, और बेस दोनों साइड से सेम है तो अभी क्या हो जाएगा यहां से एंटी लॉग हो जाएगा, तो 10 टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स इंटू 6। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ये जो 10 टू द पावर एक्स लिखा हुआ है इसको जरा ऑब्जर्व करो, ये क्या आ जाएगा, तो 10 टू द पावर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 2 इंटू 5 होल टू द पावर एक्स, एक लाइन मैंने बढ़ा दिया, तो 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स इंटू 6। तो ये क्या आएगा फाइनली 2 टू द पावर एक्स इंटू 5 टू द पावर एक्स 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 5 टू द पावर एक्स इंटू 6, और अब यहां पे पुट कर देंगे 2 टू द पावर एक्स, तो ये टी इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 6, फाइनली टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, तो टी प्लस 3 टी माइनस 2 इक्वल टू 0 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो पहला रिजल्ट टी प्लस 3 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू माइनस 3, अब टी की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो 2 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम बताओ क्या होगा। तो अब यहां से अगर कोई सोचेगा कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें पता है कि ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू माइनस में, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है, तो t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2, अब t की वैल्यू देंगे 2 टू द पावर x, अब बेस सेम तो पावर इक्वेट, तो x इक्वल टू 1, तो फाइनली इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो x इक्वल टू 1 है। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ e टू द पावर 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 देन x इज इक्वल टू, तो अब यहां पे देख रहे हैं कि ये मल्टीपल ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें बेस एक बार 3 एक बार 2 है एक बार 4 है, तो इस वजह से यहां जो क्वेश्चन होगा जब हम लोग इसमें दोनों साइड लॉग लेंगे, तो दोनों साइड लॉग लेते समय हमें यहां पे बेस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या एक बार हम बेस 3 के साथ वर्कआउट करेंगे मल्टीपल जो है करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है ये, एक बार बेस 2 के लिए काम करेंगे एक बार बेस 4 के लिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ले लेते हैं बेस 3, और जब बेस 3 हम लोगों ने ले लिया तो ये आ गई बात, अब ये x आ गया जाएगा
और log 3 बेस 3 इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, x माइनस 1 log 4 बेस 3 ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x इक्वल टू यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे log 4 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3, x वाले टर्म एक साइड कर लिए जाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा log 4 बेस 3 माइनस 1 इक्वल टू log 4 बेस 3, और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू log 4 बेस 3 अपॉन log 4 बेस 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी log है उसमें 4 से नहीं डील हो रहा है, 2 से इसमें डील हो रहा है जिनका बेस 3 है, तो इसलिए इस 4 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर, नीचे भी 2 स्क्वायर, अब ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 2 log 2 बेस 3 अपॉन 2 log 2 बेस 3 माइनस 1, तो ये बेस 3 से ये ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का करेक्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बेस 2, तो बेस 2 के साथ कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं कि देखो यहाँ 2 लिखा है यहाँ 3 लिखा है और इसमें क्या लिखा 3 यहाँ 2 यहाँ, तो हमें बेस चेंज करने लिए प्रॉपर्टीज याद है क्या, log x बेस y इक्वल टू 1 अपॉन log y बेस x, तो मैं क्या करूंगा यहां से 2 log 2 बेस 3 अपॉन log 2 बेस 3 2 माइनस 1 अपॉन log 2 बेस 3, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 अपॉन 2, फिर ये बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी यहां अप्लाई हो जाएगी तो log 3 बेस 2, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अच्छा अब एक ऑप्शन और है कि जैसे यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो जब 4 लिखा हुआ यहां 1 लिखा हुआ है तो ये कैसे बना होगा, तो जरा यहां पे ध्यान दो और न्यूमरेटर में भी 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसी ऑप्शन से जो है 2 कॉमन कर सकता हूं, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 log 3 बेस 2 ये कैंसिल हो गया और अब क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू m अपॉन n log x बेस y, तो इस प्रॉपर्टीज को मैं ऐसे लिखी हुई इसको उल्टा ऐसे लिख सकता हूं कि न्यूमरेटर पावर में आ जाएगा डिनोमिनेटर y के पावर में आ जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 1 माइनस log 3 बेस 2 स्क्वायर, तो फाइनल ये जो रिजल्ट आ जाएगा कितना 1 अपॉन 1 माइनस log 3 बेस 4, तो ये सी ऑप्शन भी आ जाएगा इसका। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्लस log 3 बाय 2 1 अपॉन 3 रूट 2 रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 4 माइनस दिस इज इक्वल टू, तो अब इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे कि जहां पे टर्म ये डैश डैश का मतलब ये वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो 6 प्लस log 3 बाय 2 1 अपॉन 3 रूट 2 और जो एक्सप्रेशन रिपीट कर रहा है उसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x है, तो ये x हो जाएगा और अब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो गई रूट ओवर 3 रूट 2 इंटू रूट ओवर 4 बाय दस 4 बाय दस 1 अपॉन 3 रूट 2, तो यहां पे देख रहे हैं कि जब जो टर्म इन्फिनिटी तक हम लोग के मूव करते हैं तो यहां से इन्फिनिटी में हमें पता है कि कोई भी एक टर्म को लेस कर देंगे तो उससे उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि अगर इस टर्म को हटा दे तो फिर भी वही सिक्वेंस तो दिखती रहेगी ना, तो इसलिए जहां से वो रिपीट कर रहा है उसकी जगह ये क्या आ जाएगा इसके प्लेस पे एक्स आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू रूट ओवर इन्फिनिटी से एक कोई टर्म कम कर दे या ज्यादा कर दे उससे कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो एक्सप्रेशन जहां से रिपीट करता उसी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जाती थी, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 एक्स, और अब सारे टर्म्स को हम लोग एक साइड कर लेंगे,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री रूट टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। और अब यहाँ से इसको हम लोग फैक्टर कर दें, नहीं हो रहा तो फॉर्मूले से करते थे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वन अपॉन दिस प्लस सिक्सटीन अपॉन टू, और फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वन प्लस सिक्सटीन इंटू एटीन अपॉन एटीन बाई टू। और अब इसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा सेवनटीन का स्क्वायर रूट अपॉन थ्री रूट टू बाई टू। और अब ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन प्लस माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स रूट टू। अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस, लेकिन जैसे मैं निगेटिव साइन लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स रूट टू, तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स किसके अंदर है, लॉग के अंदर, और लॉग के अंदर रिजल्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैसी वैल्यू ली जाएगी, प्लस वाली वैल्यू ली जाएगी। जब प्लस हम लोगों ने ले लिया तो एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस सेवनटीन अपॉन सिक्स रूट टू, तो ये एक्स इक्वल टू एट अपॉन थ्री रूट टू। और अब ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट सिक्स प्लस लॉग दिस हो गया वन अपॉन, और ये एट अपॉन ये आ गया। और अब यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ये फोर हो जाएगा, तो फाइनली ये रिजल्ट कितना हो गया, सिक्स प्लस लॉग बेस थ्री बाई टू टू अपॉन थ्री होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ से इसी को लिख सकते हैं कि ये थ्री बाई टू, तो इसको भी थ्री बाई टू लिख के पावर में माइनस टू लिख देंगे, तो ये माइनस टू थ्री बाई टू बेस थ्री बाई टू, तो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ये था अगला क्वेश्चन हम लोग का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड एक्स माइनस वन दिस, तो मॉडल है क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग केसेस में ब्रेक करेंगे। अब इसका टर्निंग पॉइंट यहां पे क्या है, वन है, केस फर्स्ट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं डालेंगे क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर तो ये वैल्यू आ गई, तो इसलिए मॉड एक्स माइनस वन चेंज हो जाएगा किसमें, एक्स माइनस वन में, तो ये एक्स माइनस वन लॉग बेस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू लॉग दिस, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे, तो ये टू लॉग ये आ जाएगा। और फिर हमें लॉग इक्वेशन सॉल्व करनी तभी आती है जब उनका बेस हर जगह क्या हो, सेम हो, तो इसलिए नाइन बाई ये क्या हो जाएगा, टू लॉग एक्स बेस थ्री माइनस टू थ्री स्क्वायर, अब इस टू को आगे कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू लॉग एक्स बेस थ्री माइनस फोर लॉग थ्री बेस एक्स इक्वल टू सेवन, और टू लॉग एक्स बेस थ्री माइनस फोर इंटू वन अपॉन लॉग एक्स बेस थ्री, ऐसा लिखा जा सकता है बेस चेंज कर ली प्रॉपर्टी से। और जब एक हर जगह सेम हो गया तो इसको टी इक्वल्स टू क्या ले लिया जाएगा, लॉग एक्स बेस थ्री, तो दिस फोर अपॉन टी इक्वल टू सेवन, तो दिस इक्वल टू सेवेंटी,
तो 2t² / 7t - 4 = 0, और अब इसका फैक्टर हो जाएगा, तो यहां से जो रिजल्ट आ गया 2t कॉमन हो जाएगा, तो t/4 + t/4 = 0। तो t/4 = 0, t = 4। अब t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो ये x = 3 to the power 4, ये हम लोग का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। और सेकेंड, 2t + 1 = 0, तो t = -1/2, log x base 3 = -1/2, तो x = 3 to the power -1/2। तो ये थे हम लोग के क्वेश्चन एक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इनइक्वालिटी शुरू करेंगे लॉग के। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से एक बात पहले और ध्यान कर लेते हैं कि देखो इसमें हम लोगों ने केस सेकंड नहीं बनाया है। क्यों क्यों नहीं बनाया है उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर x - 1 < 0 कर देंगे तो यहाँ से मॉड जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, -x - 1 में। और जब इसमें चेंज हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा 1 - x, और जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर इक्वेट नहीं होगी। और यहाँ से ऐसा तो होता नहीं कि हम माइनस साइन कॉमन कर लें, भाई हम लोगों ने ये पढ़ा है तो हम लोग को ये लिखना आता है, लेकिन ये लिखा हो तब थोड़ी क्या लिखेंगे, ये तब थोड़ी कोई जानते हैं, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा एक्सप्रेशन। तो इसलिए जब माइनस आ गया जाएगा तो उस केस में डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे केस सेकंड रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी केस से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट, एक जो लास्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन लॉग दिस। सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना ये इक्वल है, तो देखो यहाँ का एलिमेंट इक्वल है तो ये इक्वल अल्टीमेटली कब इक्वल हो जाएगा, जब ये वाला एक्सप्रेशन भी इक्वल होगा। और हम जब इसको इक्वल करेंगे तो उसके बाद हमें सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि लॉग के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये लॉग के अंदर जो भी रिप्रेजेंट होगा वो हमेशा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। यानी कि लॉग के लिए हम लोगों ने जो जो कंडीशन देखी थी, मतलब लॉग एक्स बेस ए लिखा है तो क्या कंडीशन, x > 0, a > 0 और a > 1। आंसर आने के बाद ये तीनों कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये x³ + x = 4x² - x। अब नॉर्मल इसको हम लोग जो है फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा, अब इसका फैक्टर कर लो, 8 16, और फैक्टर कर लिया कितना आया, x = 1 4। इसका फैक्टर करेंगे तो x = 1, इसका एक फैक्टर हम लोग को मिल जाएगा x = 1 सॉरी, इसमें क्या फैक्टर आ जाएगा इसका, 8। देखिए x = 2 जब रखेंगे तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा x, ये 8 हो गया 16, तो 8 16, ठीक। तो x = 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और फिर अब इस इक्वेशन को हम अदर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये x² से मल्टीप्लाई हो गया -2x + 4x, और ये -3x, तो ये x - 2 x² - 2x - 3 = 0, तो x - 2, ये इसका फाइनल फैक्टर हो रिजल्ट आ जाएगा -1 2 3। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन कंडीशन फॉलो होंगे, तो x का वैल्यू -1 नहीं होगा क्योंकि बेस कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो x - 1 पॉसिबल नहीं है। अब x = 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे, जैसे 2 पुट करेंगे तो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो 2 भी पॉसिबल नहीं है। और x = 3 पुट करेंगे तो ये डिफाइन होगा, और बेस भी पॉजिटिव होगा, ये भी बेस पॉजिटिव होगा, तो ये डिफाइन होगा। तो फाइनली इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, x = 3। तो ये थी लॉग इक्वेशंस की सॉल्विंग। अब शुरुआत करते हैं हम लोग इनइक्वालिटी, तो देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज डाल देते हैं हेडिंग इनइक्वालिटी में, दो प्रॉपर्टीज हैं, एक
जिसमें दोनों साइड लॉग होगा, एक वो जिसमें सिर्फ एक साइड लॉग होगा और अदर साइड लॉग रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो जब दोनों साइड लॉग होगा तो पहले भाषा, हम लोग भाषा में ही ध्यान रखेंगे। पहली बात कि जब ये बेस सेम होता है तो इसका रिजल्ट क्या था, एक्स इक्वल टू वाई। तो पहली बात ये होगी, भाषा में इसका नाम इनपुट और इसका नाम आउटपुट होगा। जैसे ही ये हमें क्वेश्चन प्रॉपर्टीज में मिलेगा, हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा बेस सेम है कि नहीं। बेस सेम तो उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा बेस कैसा है, ग्रेटर देन वन। और अगर ग्रेटर देन वन है तो हमने ध्यान है कि ग्रेटर देन वन है तो इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग जब होगा तो इनपुट और आउटपुट साइन सेम, और जब डिक्रीजिंग तो इनपुट और आउटपुट साइन क्या, रिवर्स। तो पहली बात बेस देख लिया। अब चूंकि बेस ग्रेटर देन वन है तो इनपुट और आउटपुट में इनइक्वालिटी साइन सेम होगा, ये बात हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी एक बात और कि हम जब इतना ये लिख देते हैं तो किताबों में तुम देखोगे यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग, फिर इंडिविजुअल भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई कर देने से ये थोड़ी पता लग रहा है कि लॉग के अंदर का रिजल्ट पॉजिटिव है। तो इस वजह से हम सिर्फ एक काम करेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पॉजिटिव बना देंगे। अगर वाई पॉजिटिव तो अल्टीमेटली एक्स भी पॉजिटिव होगा, और इससे क्या होगा कि ये एक डबल साइड इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डबल साइड कन्वर्ट हो जाएगा तो इनको फिर नॉर्मली सॉल्व करके वैल्यू निकाल दी जाएगी। नेक्स्ट, फिर बेस अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो उस केस में हम लोग का क्या रहेगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और हमने अभी क्या सिखाया, जो लेस वाला साइन हो उस पे क्या बना दोगे, ग्रेटर देन 0। और अब फिर ये डबल साइड इनइक्वालिटी थी, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन देखा दोनों साइड लॉग है, अब बेस देखेंगे तो बेस क्या दिख रहा है, 1/10। तो दैट मीन्स ये बेस किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1। और जब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लेस देन एक्स प्लस 3। और दूसरी बात हमें ध्यान आ गई कि जो लेस वैल्यू होगी उस पर कैसा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। और अब ये क्या आएगी, डबल साइड इनइक्वालिटी आ जाएगी। जब डबल साइड इनइक्वालिटी आ जाएगी तो एक बार एक साइड और एक बार एक साइड। तो केस फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, और अब इसका फैक्टर हो जाएगा और नॉर्मल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, -2 1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, यानी रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। फिर केस सेकेंड, अब ये वाली पार्ट सॉल्व होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू लेस देन एक्स प्लस 3, ये से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0, तो एक्स माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 लेस देन 0, और देन ये प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, तो ये वैल्यू निगेटिव आ गई। और अब माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5, अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 1 टू इन्फिनिटी फर्स्ट केस, और सेकेंड केस माइनस रूट 5 टू प्लस रूट 5, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर मिल रहा है -√5 2 2 -2 यूनियन 1 2 √5। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात हम लोग की क्या हुई कि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम नहीं तो सबसे पहले हम लोग बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम कर लेंगे तो ये x माइनस 1, अभी इस 2 को आगे कर लेते हैं तो ये
जीरो पॉइंट थ्री एक्स माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन बेस जीरो पॉइंट थ्री। अब जीरो पॉइंट थ्री, अब ये टू वन बाई टू लिखा गया तो इस पर रूट लगा लेंगे, टू को इधर ट्रांसफर करके हम लोग इस पे होल आप स्क्वायर बना दें, मतलब टू लॉग बेस जीरो पॉइंट थ्री एक्स माइनस वन लॉग, ये हो गया तो लॉग जीरो पॉइंट थ्री एक्स माइनस वन होल आप स्क्वायर लॉग जीरो पॉइंट थ्री एक्स माइनस वन। अब बेस सेम हो गया, और बेस सेम होने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है, जीरो पॉइंट थ्री, तो ये बेस जीरो टू वन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, यानी इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, और फिर वही बात कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अब एक बार एक पार्ट और एक बार एक पार्ट, तो केस फर्स्ट एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर दिस, तो एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस वन यहां से कैंसिल हो जाएगा, और अब ये जो वैल्यू आ गई तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, टू वन प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन जीरो, यानी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। केस सेकेंड, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दिस, तो यहां से जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वन टू इन्फिनिटी, और फिर दोनों केसेस का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। ये x belongs to 2 to infinity, तो ये आ गया हम लोग का। तो ये थे इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास लिखा हुआ क्या बात हुई थी, एक साइड log है, तो log x base a equal to y, पहले तो भाषा में ध्यान कर लेते हैं कि log x base a equal to y, तो x इक्वल टू ए टू द पावर y, भाषा में इसका नाम इनपुट है और इसका नाम जो है आउटपुट है। तो ये log x बेस a ग्रेटर देन y अगर लिखा हुआ है तो फर्स्ट पॉइंट, तो जब ग्रेटर देन वन तो सबसे पहला पॉइंट कि बेस जैसे देखा तो ग्रेटर देन वन होने की वजह से इनपुट और आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, तो पहला पॉइंट एक्स ग्रेटर देन ए टू द पावर वाई। लेकिन इसके आने से हमें ये नहीं पता लग रहा कि लॉग के अंदर पॉजिटिव है कि नहीं, इसलिए ये बी पॉइंट ये भी बनेगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, और फिर सारे केसेस को सॉल्व करके उसका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन, जिससे हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकेंड, अब बेस जीरो और वन के बीच में आ जाएगा, और जब बेस जीरो और वन के बीच में आ जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी एक्स लेस देन ए टू द पावर वाई और लॉग के अंदर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, फिर सारे केसेस का इंटरसेक्शन निकाल देंगे जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेस देख रहे हैं कितना है, वन बाई टू, यानी बेस हो गया, दिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो अब जैसे ये देखा तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, बेस है जीरो से वन के बीच में, यानी कि इन क्या करेगा, रिवर्स, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स अपॉन इस, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन बाई टू होल टू द पावर माइनस वन, और अब ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स ऑन फोर एक्स माइनस ग्रेटर देन आर टू, फिर टू कॉमन कर लेंगे
और कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। फिर इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लिया जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन। और अब यहाँ से ये जो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट अपॉन, और अब ये एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू अपॉन फोर एक्स माइनस इलेवन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। नंबर लाइन भी प्लॉट कर लेंगे, टू इलेवन बाई फोर फोर प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो टू टू इलेवन बाई फोर यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसका बी वाला पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट, क्या लॉग के अंदर जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स अपॉन फोर एक्स माइनस इलेवन ग्रेटर देन ज़ीरो। न्यूमरेटर से टू कॉमन करके हटा देंगे, और अब ये एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स माइनस इलेवन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो माइनस वन फिर इलेवन बाई फोर ये थ्री प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन ज़ीरो यानी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू इलेवन बाई फोर यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब दोनों केसेस का इंटरसेक्शन, तो ये टू टू इलेवन बाई फोर ये आ गया, और ये फोर टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर माइनस वन टू इलेवन बाई फोर ये आ जाएगा, और फिर थ्री टू इन्फिनिटी। अब दोनों केसेस का जब इंटरसेक्शन लेंगे, ये टू टू इलेवन बाई फोर पे एक पे क्लोज एक पे ओपन, तो इसलिए ओपन ही ब्रैकेट रह जाएगा, यूनियन फोर टू इन्फिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर ये लास्ट हम लोग का क्वेश्चन, कि कोई ज़रूरी नहीं कि बेस हमेशा कॉन्स्टेंट नंबर ही हो, इसमें वेरिएबल भी हो सकता है, और जब बेस वेरिएबल है तो पूरा क्वेश्चन जो होगा वो दो केसेस में डिवाइड होगा। क्या, पहला कि बेस जो है वो ग्रेटर देन वन हो, और जब बेस ग्रेटर देन वन होगा तो वहाँ पर हम लोग लॉग अप प्रॉपर्टीज, और ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट था वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, तो यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये रहेगा। और चूंकि बेस ग्रेटर देन वन है तो इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट क्या है? और ये मॉडुलस है तो लॉग के अंदर का तो रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अंदर हमें पॉजिटिव बनाने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉड एक्स माइनस वन दिस ये आ जाएगा, और मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, और फिर यहाँ पे वही कि मॉड, अब ये एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो ये दिस हो जाएगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, ये जीरो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, तो x माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो यूनियन टू टू इन्फिनिटी। और अब इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, जिससे हमारे फर्स्ट केस का आंसर रिप्रेजेंट होगा। और अब ये ज़ीरो, ये टू टू इन्फिनिटी, तो ये पहला हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। अब केस सेकेंड, केस सेकेंड,
फर्स्ट पॉइंट, मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, और अब जब ये कंडीशन आ जाएगी तो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएगी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो वहां हम लोगों ने देखा था एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, तो अब ये क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो जीरो टू वन। सेकेंड, लॉग मॉड एक्स एक्स मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब बेस चूंकि जीरो और वन के बीच में तो इसलिए इनइक्वालिटी साइन यहां पे क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा और ये डाटा ऐसे आ जाएगा, तो मॉड एक्स माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू वन, और अब ये प्रॉपर्टीज हमारी आ जाएगी मॉड एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए, तो एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू प्लस ए, तो यहां से और ये प्लस वन हो गया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स का वैल्यू जीरो और टू के बीच में आ जाएगा। और अब इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन देख लेते हैं, तो ये माइनस वन टू जीरो यूनियन जीरो टू वन, और यहां से जीरो से टू, यहां से जो एक्स का रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया जीरो टू वन। तो फाइनल हम लोग का जो आंसर आ गया, फाइनल आंसर, अब इन दोनों केसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा तो देख लेते हैं फाइनल आंसर। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, पहले बड़ी वैल्यू फिर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ये क्लोज पे है जीरो, यहां ओपन, तो इसलिए इसको हम लोग कंबाइंड कर सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। तो ये इसका आंसर होगा, तो ये था हम लोग का लॉग, तो ये इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से अभी ये लॉग वाला पूरा पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों को मिक्स करके करते हैं, तब जाके हम लोग इस पूरे टॉपिक लॉग को कंप्लीट करते हैं। और ये हमारा फंक्शन जो बेसिक, इसको हम लोग पूरे पार्ट को इनइक्वालिटी मॉड सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल लॉग, इस पूरी पार्ट को हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। इसके बगैर हम कोई भी मैथ्स आगे अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते, खासकर इसका यूज़ तो ट्वेल्थ में तो बहुत ज़्यादा होता है। और अब ये पार्ट पे जितना ज़्यादा हमारा कमांड होगा उस तरीके की कॉम्पिटिशन मैथ्स में हमारी ये हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे फिर नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन के बाद, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, तो यहां पर मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो मॉड एक्स लिखा हुआ है तो इसका ये दो केसेस में ब्रेक होगा। तो केस फर्स्ट, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स चेंज हो जाएगा किसमें एक्स में, तो टू टू दी पावर एक्स प्लस टू टू दी पावर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, टू इंटू टू टू दी पावर एक्स, और ये टू टू दी पावर वन बाई टू लिख दिया जाएगा, कैंसिल हो गया। और अब ये एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में बेस क्या दिख रहा है हम लोग को, वन से ग्रेटर, तो इसलिए इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू टू इन्फिनिटी। और फिर जब केस बना के सॉल्व करते हैं तो उस केस के साथ इसका हम लोग क्या देखते हैं इंटरसेक्शन। ये आ गया, अब उसके बाद फिर केस सेकेंड, केस सेकेंड एक्स लेस देन जीरो, तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स,
और अब इस पूरे पार्ट को हम लोग टी ले लेते हैं, टी इक्वल टू 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 द पावर एक्स, तो टी प्लस वन अपॉन टी, और अब ये क्या बन गई, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टी इक्वल टू टू रूट टू प्लस माइनस, टी कितना आ जाएगा अठारह टू अपॉन टू, तो टी इक्वल्स टू रूट टू प्लस माइनस वन। अब चूंकि यहाँ इनइक्वालिटी में ग्रेटर साइन है तो इसलिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, टी लेस देन आर इक्वल टू रूट टू माइनस वन और टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट टू प्लस वन। अब वैल्यू हमें किसकी लिखनी है, एक्स की, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, और अब ये ए टू द पावर एक्स वाई एल पैटर्न हो जाएगा, यहाँ ए ग्रेटर देन वन है इसलिए इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आ जाएगा और ये वैल्यू ही आ जाएगी। और अब जो केस बनाया उसके साथ इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हो गई वो माइनस इन्फिनिटी टू लॉग बेस टू रूट टू माइनस वन, दिस यूनियन लॉग बेस टू रूट टू प्लस वन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन देख लेंगे केस के साथ, तो ये एक्स लेस देन जीरो, और अब यहाँ पर हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो लॉग रिप्रेजेंट हो रहे हैं किधर रिप्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले लॉग बेस टू रूट टू प्लस वन, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, तो होगी, क्यों, क्योंकि वन प्लस रूट टू और बेस टू है, तो जब लॉग का ग्राफ बेस ग्रेटर देन वन होता था तो उसका ग्राफ ऐसे आता था, तो जब बेस वन से ग्रेटर है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू कैसी जाएगी, बेस ग्रेटर देन वन है तो ये पॉइंट वन होता था, तो रूट टू प्लस वन पहले इधर आएगा, तो इसका लगा ये वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी हम लोग को, पॉजिटिव, तो इसलिए लॉग बेस टू रूट टू प्लस वन ये यहाँ लोकेट होगा और अप टू इन्फिनिटी, और ये जो वैल्यू है रूट टू, तो रूट टू की वैल्यू तो भाई वन पॉइंट समथिंग होगी, वन पॉइंट समथिंग माइनस वन मतलब वैल्यू डेसिमल होगी, और जब डेसिमल वैल्यू होगी तो इस केस में वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू यहां पर लोकेट हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग को जो कॉमन पार्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू लॉग बेस टू रूट टू माइनस वन, तो फाइनल आंसर दोनों केस को कंबाइन कर देंगे, तो फाइनल आंसर एक्स बिलोंग्स टू नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले छोटी वैल्यू और फिर क्या बड़ी वैल्यू, यूनियन 1/22 इन्फिनिटी आंसर। तो ये अब हम लोग का लॉग पूरा कंप्लीट हुआ, नया टॉपिक हम लोग जो है फंक्शन जो क्लास 11th का फंक्शन है वो हम लोग अब शुरू करेंगे, तो अब नेक्स्ट टॉपिक नई क्लास से, थैंक यू।